हमारे साथ बैकअप सपोर्ट की जो हमारी डेट है 10 तारीख है, 10 तारीख में एक और स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। विक्की जयपुरे, अमरावती महाराष्ट्र। विक्की जयपुरे, कौन सी क्लास के स्टूडेंट है भाई आप? 28 अगस्त 2019 और 2022, मोटा मोटा 3 साल का फर्क है दोनों में, है ना। खैर, जनवरी का पहला वीक है ये, इसको तो अपन बोल सकते हैं कि कम से कम आपको 2.5 साल तो पूरा हो चुका है। 2.5 साल पूरा हो गया। तो ऐसा एशिया टेलीकॉम ने कोई बॉन्ड भरा था आपके साथ कि भैया तुम्हारे को 2.5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं वापिस बुलाऊंगा आपको, या इस टाइप का था? ऐसा कुछ भी ना, ये आपका व्यवहार लाया है ना, आपका गुड डिसिप्लिन वाला व्यवहार था, जो आपने डिसिप्लिन यहाँ से जाने के 2018 या 2019 जब भी आप आए थे अगस्त में, वो डिसिप्लिन भी आज कायम रखा है। एशिया टेलीकॉम ने आपको बिल्कुल चांस दिया है अपडेट होने का, एक नंबर। तो आज आपकी काय की, बेसिकली काय की क्लास थी आज? बेसिकली हमारे ड्यूअल टेकर की क्लास। मैं डरता था कि ड्यूअल टेकर कैसा था, हैंडसेट कस्टमर के डेड ना हो जाए। अच्छा, लेकिन इस बार ऐसी ट्रिक मिली हमारे को कि जो हम चाहते थे, इसके पहले भी जो सिक्के गए थे उसमें भी हुई था, लेकिन उस टाइम उस जमाने के जो मोबाइल थे उसके वो फॉर्मेट अलग था, वो फॉर्मेट है ना। 2019 में की हम बात करें तो हम 2019 में जो सही फॉर्मेट था वो फॉर्मेट नहीं था, गड्ढे वाला जो हमारा डबल लेकर आता था वो गड्ढे वाला नहीं होता था, अंडे की रेक वाला नहीं होता था, एक नॉर्मल फ्लैट होता था, है ना, और इतना चलन में भी नहीं था, है ना। आज आज हर चौथा हैंडसेट आज आपका डबल लेकर आ रहा है। बात करें वन प्लस की, बात करें आप सैमसंग की, हुआवे की बात करें, तो सारे डबल डेकर सीपीयू आ रहे हैं, डबल डेकर आ रहे हैं, एक ही फॉर्मेट के आ रहे हैं। तो अभी आपने जो आपको सर ने आपको जो प्रोसेस बताई है, तो आपको प्रोसेस पूरी समझ में आई? आपको पूरी समझ में आई, लेकिन उसमें सर ने जो जो डायग्नोस करने के लिए जो बताया वो तो हम तो अभी तक जानते भी नहीं, तो एकदम से आतिश फॉल्ट कर लेंगे वो। तो आपको आपको किस स्थिति में ओनली रैम को रिबॉल करनी है, किस स्थिति में आपको सीपीयू को रिबॉल करना है, या दोनों को रिबॉल करना है, या खाली रैम बदल के आप काम कर सकते हो, तो इस चीज का नॉलेज मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ सर, पूरा मिला। आप एक रैम को टेस्ट करके बता सकते हैं मल्टीमीटर पे कि ये सही है या गलत है? हाँ सर, सब है ना, उसको कौन कौन सी लाइन है जिसपे सप्लाई आती है, सारी की सारी आपको मालूम पड़ी कि नहीं पड़ी? पूरी मालूम पड़ी, है ना। कैपेसिटर पे आपको क्या जीआर आना चाहिए, सर ने बताया आपको, एक एक रीडिंग बताई सर ने आपको, रीडिंग बताया। ऐसा कोई चीज हाइड करके तो नहीं रखी कि आप तो चलो मेरे को कुछ पैसा नहीं दे रहे हो, बैकअप का स्टूडेंट है वो आया तुमको पढ़ा दिया और रवाना करा, ये चीजें हुई है क्या आपके साथ? नहीं सर, कुछ भी नहीं ऐसा। अभी आप सवेरे कितनी बजे आए थे? सवेरे 12 बजे आए। 12 बजे आए थे, अभी समय कितना हो रहा है? 9:30 बजे। ये 9:30 बज रहे हैं आप जैसा देख सकते हैं। तो अभी बेसिकली क्लास में कोई है क्या स्टूडेंट यहाँ पे? बैच वाले स्टूडेंट जो रनिंग बैच वाले स्टूडेंट है वो भी जा चुके हैं ना आपको? हाँ सर, है ना। सर आपके लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठा, आपको पूरा का पूरा समय दिया कि नहीं दिया आपको? पूरा समय दे दिया, है ना। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे ये जो देवरतन अग्रवाल सर की टीम है, एशिया टेलीकॉम है, और आपको मिलन सर ने सपोर्ट किया है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा इतना ही कहना है कि सर जितना भी अपडेट देते उसको अपडेट जिसको भी करना है वो खुद आके करे, डरे मत। लोग डर के जीते हैं और काम नहीं कर पाते। मोबाइल के टेक्नीशियन बनना है तो आपको अपडेट होने के लिए आना ही पड़ेगा और अपडेट होना ही पड़ेगा। तुम बोलेंगे अब उन अपडेट होंगे नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, लेकिन सर जो बताते मेहनत करेंगे तो ही सफल होंगे। नहीं 10,000 के मोबाइल को भी अपडेट होना पड़ता, फिर तो हम 1 करोड़ के इंसान है। हाँ, नहीं सर, ज्यादा के हो गए शायद, ज्यादा के है ना। हाँ, तो फिर उसको भी मतलब क्या है कि उसको अपग्रेड की जरूरत होती है 10,000 के मोबाइल को, तो फिर तो हम हमारी कीमत ही नहीं, हम अनमोल है ना, हमको अपग्रेड की भी जरूरत होती है। अपग्रेड की जरूरत है सर। ये मानते कि नहीं मानते कि आप अगर इस फील्ड में हो, जैसे आप टेली कम्युनिकेशन फील्ड में हो जिसमें आप मोबाइल रिपेयर कर रहे हो, इस फील्ड में हो, तो आपके गुरु का सर पे हाथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना था, उसके बिना अधूरी है सर काम को। और एक इंसान वो होता है कि 10 जगह इसका भी ले लिया, उसका भी ले लिया, फलाने का भी ले लिया, ढिमका भी ले लिया, उसका 10 जगह घूम के कुछ फायदा नहीं रहता सर, कुछ फायदा नहीं रहता ना, कुछ भी नहीं रहता सर। हम 2.5 साल गए तो हमने इधर उधर कभी भी नहीं गए, लेकिन जितना पढ़ा है उतने में हम हैंडसेट बना रहे थे तो बहुत अच्छा बना। अभी मतलब आप ये बताइए मुझे कि सर हम 10 साल पहले काम करते थे, मैं 2010 से काम चालू किया। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन 8 साल के बाद में जब अपडेट हुआ तो हमको लगा कि हम अभी काम चालू किए, अभी तक काम चालू ही नहीं किया था, सिर्फ कनेक्टर माइक इसमें बहुत थे। अच्छा, तो फिर एशिया टेलीकॉम जैसे ज्वाइन किया था आपने 2019 अगस्त में ज्वाइन किया था, 28 अगस्त 2019 को ज्वाइन किया था, और उसके बाद में और पुराने वाले जाजपुरे में क्या फर्क था? तो पहले कैसे था, 50 में के सिर्फ 50 हम जो हफ्ते के 50 हैंडसेट आते थे उसमें से सिर्फ 20 या 30 20 या 10 बना पाते, और बाद भी चिल्लर भी प्रॉब्लम रहा तो वापिस चले जाता उसके बाद क्या हुआ?
अब आपसे ऐसा हो रहा है कि सर अब सिर्फ 5-6 एंसेट ही वापिस जाते, और 5-6 एंसेट भी अब वापिस जाएंगे क्या अपडेट होने के बाद? अपडेट बनेगा तो चांसेस नहीं जाने, चांसेस नहीं जाने का सर। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे देव सर के लिए? देव सर आपको देख रहे हैं यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, देव सर खुद भी अपडेट होते, स्टूडेंट की भी अपडेट होने की चांस देते, तो आप अपडेट हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।